हेलो फ्रेंड्स, जीके का अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपसे जीके के कुछ सवाल पूछूंगी और उसका जवाब भी बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आना भी खराब है और जाना भी खराब है? दोस्तों, इसका सही जवाब है आँख, जिसका आना भी खराब है और जाना भी खराब। भगवान शिव की कितनी पत्नियां थी? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है भगवान शिव की 30 पत्नियां थी। लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता जाए तो बताओ क्या? दोस्तों, इसका सही जवाब है आग और धुआं। किस देश में कपड़े पर अखबार छपता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है स्पेन देश में कपड़े पर अखबार छपता है। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है नाग पुष्प फूल 36 साल में एक बार खिलता है। कौन सी सब्जी से खून साफ होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है करेला से खून साफ होता है। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है। कौन सा जीव बच्चे पैदा करने के बाद तुरंत मर जाता है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है बिच्छू बच्चे पैदा करने के बाद तुरंत मर जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी किस नदी को माना जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है गंगा को सबसे लंबी नदी माना जाता है। दुनिया में कितने प्रतिशत लोग गाने से नफरत करते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है दुनिया में 5% लोग गाने से नफरत करते हैं। इंसान के मरने के बाद उसके शरीर में कितने तरह के बदलाव होते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है इंसान के मरने के बाद उसके शरीर में 7 तरह के बदलाव होते हैं। आइसक्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है आइसक्रीम को हिंदी में कुल्फी कहते हैं। सब्जियों का राजा किस सब्जी को माना जाता है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है सब्जियों का राजा आलू को माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? दोस्तों, इसका सही जवाब है
भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि राजस्थान में है। कौन सा जीव जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है मेंढक, जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। खजुराहो कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है सब्जियों की रानी मिर्च को कहा जाता है। किस देश में 5 लाख का नोट चलता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है वियतनाम में 5 लाख का नोट चलता है। किस देश के लोग सांड से लड़ते हैं? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है स्पेन के लोग सांड से लड़ते हैं। भारत की पुलिस किसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है राज्यपाल को भारत की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके जीभ में ही दांत होते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है हंस के जीभ में भी दांत होते हैं। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। किस देश के लोग सांप खाते हैं? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है चीन के लोग सांप खाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है।